रादौर में पत्रकारों से बातचीत में सांसद नायब सैनी ने कहा, ओपी चौटाला के सक्रिय राजनीति में आने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। रादौर में पूर्व राज्य मंत्री में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कर्णदेव कांबोज के प्रतिष्ठान पर वीरवार को कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ओपी चौटाला के सक्रिय राजनीति में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता के चौटाला सरकार के कार्यकाल के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं उन्होंने आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर सरकार के संपत्ति जब्त एक्ट को सही बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन आंदोलन के नाम पर जनता को परेशान किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि यह आंदोलन किसानों को बदनाम करने वाला आंदोलन है। किसान एक पवित्र आत्मा है, लेकिन किसानों के आंदोलन के नाम पर बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसानी के नाम पर किसानों को तेल डालकर जलाया जा रहा है। ऐसे आंदोलन में सिर्फ किसानों को केवल बदनाम ही किया जा रहा है। देखिए, वही डाक के तीन पात हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो उनका कार्यकाल था चौटाला साहब का, हरियाणा उसको भूला नहीं है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर उनके कार्यकाल को याद करते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय ये लिया है कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जो एजिटेशन होते हैं उसका भी कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए, जिससे पब्लिक प्रभावित ना हो, क्योंकि आंदोलन होते हैं और पब्लिक बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रभावित होती है, और आंदोलन का तरीका भी तय होना चाहिए। ये नहीं है कि जिससे कि आंदोलन का रूप इस प्रकार का हो जाता है कि आम जनमानस भी उससे प्रभावित होता है, उसको लेकर के भी जरूर इसके ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए कि आंदोलन का रूप क्या हो, कैसा होना चाहिए आंदोलन इस लोकतंत्र के अंदर। आंदोलन भी क्योंकि अगर किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है, वो अपनी बात को कह सके, रख सके, लोगों के समक्ष कह सके, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आम जन प्रभावित हो जाए। आम जन अगर प्रभावित होता है तो आंदोलन नहीं होता, वो तो लोगों को प्रताड़ित करने वाला वो आंदोलन होता है। परंतु जिस प्रकार का आंदोलन, मैं आपको कहूँगा कि जो किसानी के नाम के ऊपर चला, ये तो किसान को भी बदनाम करने वाला ये आंदोलन है। किसान के नाम के ऊपर वहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं। किसान एक पवित्र आत्मा है, किसान एक पवित्र व्यक्ति है, उसका हर व्यक्ति सम्मान करते हैं, हम भी किसान का सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति किसान का सम्मान करता है, परंतु किसान के नाम के ऊपर, जो किसानी के नाम के ऊपर आंदोलन हुआ है, वहाँ पर बेटियों के साथ भी बलात्कार हुए हैं, वहाँ पर लोगों को किसानी के नाम के ऊपर शहीद करने का भी काम वहाँ पर किया गया है, उनको ऊपर तेल छिड़क करके जिस प्रकार की बातें आई, और वहाँ पर क्या क्या नहीं हो रहा, सब कुछ वहाँ पर हो रहा है, और वो निंदनीय है, जितनी निंदा उसकी की जाए वो कम है।